हरियाणा के हिसार में जन चेतना मंच के संयोजक व कांग्रेसी नेता उमेद लोहान ने कहा है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हांसी के तहसीलदार के चालक की नौकरी छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हांसी में तहसीलदार का चालक पिछले 2-3 साल से ड्यूटी कर रहा था। फेसबुक पेज पर पोस्ट डालने के मामले में डिप्टी सीएम ने चालक को ड्यूटी से हटाने का काम किया है। आपको बता दें कि उमेद लोहान पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आरक्षण के तहत 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, परंतु डिप्टी सीएम रोजगार छीन रही है। उन्होंने बताया कि जिस युवक को नौकरी से हटाया गया है उसके पिता की मौत हो चुकी है, इस युवक की नौकरी पर लगाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि हांसी की एसडीएम ने आदेश जारी किए थे कि चालक ने डिप्टी सीएम के खिलाफ कोई गलत पोस्ट डाली थी, जबकि चालक ने इस पोस्ट को फॉरवर्ड किया था। लोहान ने कहा कि इस मामले को लेकर चालक की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। डिप्टी सीएम ने चालक को नौकरी से हटाकर घिनौना कार्य किया है। उमेद लोहान ने 36 बिरादरी युवाओं से अपील की कि चालक के समर्थन में आए। जैसा आप सारे जो प्रेस के साथी हैं उनकी जानकारी में है, पिछले दिनों जो हरियाणा सरकार के हमारे उप मुख्यमंत्री हैं माननीय दुष्यंत चौटाला जी, उनके आदेश पे जो हांसी तहसीलदार दफ्तर में ड्राइवर थे पन्नालाल गुराड़ा गांव के रहने वाले, उनको नौकरी से हटाने का काम किया गया है। जहां डिप्टी सीएम साहब 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देके 10 लाख नए रोजगार देने की बात करते थे, 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते थे, उसके उल्टा रोजगार छीनने में तुले हुए हैं। और पन्नालाल गरीब ड्राइवर जिसके सिर पर बाप का साया नहीं, और जो आउटसोर्सिंग से अपना जॉब हांसी तहसील में कर रहा था उस पर बेसिर पैर के आरोप लगा के उसकी नौकरी छीनने का घिनौना कार्य किया गया है। मैं आप सब प्रेस के भाइयों से जो अपना इस अधिकार के सबसे बड़े संरक्षक है अभिव्यक्ति के अधिकार के, उनके साथ साथ 36 बरादरी के लोगों से, कर्मचारी यूनियनों से और युवा साथियों से भी ये निवेदन करता हूँ कि वे आज इस घड़ी में सारे साथी पन्नालाल के समर्थन में आए, पन्नालाल के साथ खड़े होने का काम करें, ताकि आगे आने वाले समय में ये सरकार के लोग बेलगाम होके और किसी पन्नालाल की रोजी रोटी छीनने का काम न कर सकें। साथियों, जो एसडीएम साहब ने जो लिखित में आदेश दिए हैं पन्नालाल की नौकरी छीनते वक्त, उसमें साफ ये कहा गया है कि आपने उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के खिलाफ पोस्ट डालने का काम किया है, जबकि हकीकत ये है इसके नीचे वो पोस्टें हैं, मैं आपको कॉपी भी दूंगा, ये किसी हरियाणा न्यूज लाइन की डाली हुई है, इसमें पिछला इतिहास उसने डाल रखा है। जब भी लाठीचार्ज हुआ है चौटाला सरकार में रहे हैं चौटाला परिवार, और आज भी जब पिपली में हुआ था आज भी ये सरकार में है, इसमें इसने कुछ नहीं कर रखा, अपने फॉरवर्ड कर रखी है। फिर आती है आपकी बात, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, ये मेरी पोस्ट थी दैनिक जागरण के स्टेट पेज पर लगाई थी जागरण ने, जब नारायण से गौतम साहब को टिकट दी मेरी काट के, इस पर यह भी इनकी डाली हुई नहीं है, ये भी सोशल मीडिया पर है, जेजेपी के किसी वर्कर की डाली हुई पोस्ट है, और जब तक ये मुख्यमंत्री भी नहीं थे। एक है जब ये इनेलो के सांसद होते थे, अधिकारियों से इनेलो सरकार चुन चुन के बदला लेगी सांसद दुष्यंत चौटाला, ये जब उप मुख्यमंत्री नहीं थे सरकार में, इसमें सिर्फ इसने ये लिखा है सांसद महोदय आप क्या कह रहे हो लिख इस पोस्ट पे, और ये भी पोस्ट इसने निकाली। और जो लास्ट है चौथी, उसमें आप देखो जेजेपी की आईटी सेल का कोई आशीष राठी है,
उसने लिखा है आपके दिल से निकली दुआ रंगलाई भाई की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। दुष्यंत जी जब कोरोना पॉजिटिव आए इन्हीं के आईटी सेल के किसी लड़के ने डाली और इसने ये लिख दिया, इसने पन्ना लाल ने दुष्यंत चौटाला की कोरोना की रिपोर्ट को पॉजिटिव बताकर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, संस्कार बोल रहे हैं, वे आप इसको सीरियस नहीं ले रहे इस बीमारी को। ये चार पोस्ट है, इनमें से सिर्फ एक पोस्ट ये है जब ये डिप्टी सीएम थे, बाकी तीन पोस्ट है तो जब तो ये खुद ही सरकार से बाहर थे। न इन पोस्टों को डालने वाले पर कोई कार्रवाई हुई, यदि इन पोस्टों में ऐसी कोई बेइज्जती की बात थी, डिप्टी सीएम का सम्मान घट गया था, तो जिन्होंने डाले उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। लेकिन पता नहीं किस रंजिश के तहत सिर्फ पन्ना लाल को शिकार बनाने का काम किया गया, और यदि डिप्टी सीएम को अपना मान सम्मान का इतना ख्याल है, इतना अनुशासन का ख्याल है, तो अपनी पार्टी के जो उनकी अपनी पार्टी के विधायक हैं जेजेपी के पंडित राम कुमार गौतम जी आए दिन इनकी चारों पीढ़ियों को गाली देने का काम करते हैं, आपके चैनलों के सामने भ्रष्ट और अकेला जीम गया, रोज रुपये इकट्ठे करे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं उनको, तो आज तक राम कुमार गौतम जी को तो आज तक पार्टी के अनुशासन का नोटिस तक देने की हिम्मत नहीं हुई, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके परिवार के खिलाफ करे ऑन द रिकॉर्ड आपके सामने। और पन्ना लाल जिसने कुछ किया ही नहीं उसको नौकरी से हटवा दिया एसडीएम साहब से कह के। एसडीएम साहब को मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आए दिन लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, खट्टर साहब के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, उनके लिए तो उनको सरकार का कोई ख्याल नहीं आया, इनसे तो बड़े उद्दे पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हाँसी में, लेकिन पन्ना लाल की वजह तो उन्होंने ख्याल आ गया भाई ये सरकार की बेइज्जती करने लग रहे हैं। कर्मचारी यूनियन हमारी जितनी यूनियन है, चाहे पीछे पीटीआई का मामला था, एक ड्राइंग टीचर का मामला, जितने एजिटेशन हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर के पुतले फूके हैं श्रेयान खट्टर साहब के पुतले फूके हैं और स्टेज लगा के पता नहीं क्या क्या कहने का काम करते हैं, आज तक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खट्टर साहब ने तो किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया, इस बात से रिकॉर्ड आपके सामने है, किसी की भी नौकरी इस बात से छीनी हो भाई हमारे खिलाफ बोल गया, क्या इनका मान सम्मान प्राइम मिनिस्टर तय और मुख्यमंत्री खट्टर साहब तय बड़ा हो गया, अब किसी को ने सिर्फ पोस्ट को शेयर फॉरवर्ड कर दिया तो उसकी नौकरी छीन ली। कानून की अनुशासन की इतनी चिंता इस परिवार को है, तो जब कोरोना का लॉकडाउन था इनका परिवार तो हजारों लोगों की रैली करने का काम कर रहा था, और किसान 50 तो फालतू इकट्ठे हो गए जहां कहीं भी, इन्होंने मुकदमे दर्ज करवाए, लाठीचार्ज करवा, इनके लिए कानून अलग है, पन्ना लाल के लिए कानून अलग है, आम आदमी राम किसान के लिए कानून अलग है। हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं दुष्यंत जी, उनको पन्ना लाल पर कार्रवाई करने की तो फुर्सत है, लेकिन उनको इतनी फुर्सत को नहीं, लाखों की संख्या में जो किसान ठिठुरती हुई रास्ता में दिल्ली के बाहर आ गए बेचारे पड़े हैं, उनकी कोई सुध ले ले, उनकी कोई बात सुन ले, जिनके वोटा की ताकत है आज उस कुर्सी पे ये साहब विराजमान है। न एमएसपी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एमएसपी पर हरियाणा में कितनी फसल बिकी है, किस रेट पर बिकी है, ये श्वेत पत्र जारी करने का काम करें, श्वेत पत्र आएगा तो मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे, बार बार ये कहने का काम करते हैं अगर एमएसपी में कोई फसल नहीं बनी तो सबसे पहले सरकार में छोड़ दूंगा। जहां तक रोजगार का मामला है, रोजगार का मामला में हरियाणा या तो उस साइड से पहले नंबर पर होया करता, और यह आंकड़े ये आपके सामने रखूंगा मैं, अनएम्प्लॉयड रेट हरियाणा का 28.7 है 2019 का, हाइएस्ट इंडिया में हाइएस्ट है, इसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल, 19 लाख बेरोजगार हैं प्रदेश में, ये कहते हैं 5 लाख हैं ताकि बेरोजगारी भत्ता नहीं देना पड़ जाए, और 3 ग्रेजुएटा में जितने पास आउट होते हैं हर 3 में 2 ग्रेजुएट बेरोजगार हैं जिनको 11,000 रुपये भत्ता देने की बात थी। ये अनएम्प्लॉयमेंट का हाल है जिसको डिप्टी सीएम जिन्होंने गुड़गांव में बड़े बड़े खट्टर साहब के खिलाफ आंदोलन चलाए, प्रदर्शन करे प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर के ये उद्योग मंत्री भी हैं साथ की साथ, मैं इनसे पूछना चाहूँगा भाई इनका उद्योग मंत्री बनिया पक्ष है पूरा हरियाणा में या इनका लोकसभा में या उचाणा में इन्होंने कितने उद्योग लगवाए,
और कितने नए युवाओं को रोजगार दिया, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 10,000 युवाओं को भी इन्होंने रोजगार दिया हो तो मैं मान लूंगा कि इन्होंने युवाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं आप सोचते होंगे इस इशू के लिए आज लोहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली, लेकिन मैं आप साथियों को कहना चाहता हूं ये एक शुरुआत है। आए दिन इतने कर्मचारी हैं, आप किसी के अकाउंट देखोगे फेसबुक के, आए दिन सरकार के खिलाफ, सीएम के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आज लोग लिखने का काम करते हैं। यदि पन्नालाल के मामले में आज लोग चुप रहे, हम लोग चुप रहे, आप लोग चुप रहे, तो फिर देखना आज तो एक पन्नालाल है इस हरियाणा में, ये इसका जो स्वभाव है और जिस तरह ये बदले की भावना से काम करे डिप्टी सीएम, फिर नौकरी करना भी मुश्किल हो जाएगा, फिर तो हजारों की संख्या में पन्नालाल हो जाएंगे जिनको ये नौकरी से विदा करने का काम करेंगे। आपके माध्यम से मैं ये भी मांग करता हूँ सीएम खट्टर साहब से, नौकरियों के मामले में उन्होंने बदले की भावना से कभी ज्यादा काम भी नहीं किया, अगर वो पन्नालाल का नोटिस में मामला लें अपने, और इस बेकसूर जो नौजवान है हमारा उसको दोबारा से रोजगार पे रखने का काम करें। और जहां तक विपक्षी नेताओं की बात है, आए दिन हरेक मुद्दे पे हमारे विपक्षी नेता बोलने का काम करते हैं, लेकिन पन्नालाल के मामले में सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा जी ने, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इस मामले को उठाने का काम किया है जोर शोर तरीके से। मैं उनका, सारे जो साथी हैं नारायण के युवा साथी हैं, नारायण दल के हिसार के युवा साथी हैं, उनका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक गरीब बेरोजगार युवक के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। और अन्य सारे नेताओं से अपील करता हूं, पार्टी लाइन से ऊपर जाके, चाहे पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, वो सारे मिलके पन्नालाल के हक में आवाज़ उठाएं ताकि इसको न्याय मिल सके, इसको रोजगार मिल सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.